आपका स्वागत है। मैं हूं तबरेज अनवर। खबरों की शुरुआत करने से पहले आइए एक नजर डालते हैं उन तमाम खबरों पर जो छाई रही आज सुर्खियों। नक्सली बंद के दौरान गोमो गया के बीच देर रात नक्सलियों ने अप एंड डाउन रेल लाइन को उड़ाया, रेल परिचालन घंटों बाधित। धनबाद उपायुक्त प्रशांत कुमार बने नगर निगम के सीईओ, कृपानंद झा बने धनबाद के नए उपायुक्त। पानी की समस्या को लेकर वासेपुर के स्थानीय लोगों ने आरा मोड़ मुख मार्ग को किया घंटों जाम, कहा जिला प्रशासन हम लोगों के साथ कर रही है सौतेला व्यवहार। और फुटपाथ दुकानदारों ने अपनी मांगों को लेकर नगर निगम का घेराव कर किया प्रदर्शन। और अब खबरें विस्तार से। नक्सलियों ने धनबाद रेल मंडल के निमिया घाट और भोला डी के बीच रेल ट्रैक को उड़ा दिया है। इस घटना के बाद हावड़ा दिल्ली मार्ग पर लगभग 10 घंटे तक रेल परिचालन बाधित रहा। नक्सलियों के इस विस्फोट से ओवरहेड तार भी क्षतिग्रस्त हो गया है। इस घटना में सिप्रा एक्सप्रेस दुर्घटना होने से बच गई है। रेल प्रशासन सुबह से मौके पर पहुंचकर मरम्मत कार्य को शुरू कर दिया है। घटना के बाद से धनबाद से खुलने वाली कुछ ट्रेनों को रद्द कर दिया गया है। वहीं कुछ काफी विलंब से चल रही है। बम विस्फोट के कारण हावड़ा दिल्ली उपलाइन पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया है। नक्सली केंद्र सरकार के जमीन अध्यादेश और बस स्तर से अर्ध सैनिक को वापस बुलाने की मांग को लेकर इस घटना को अंजाम दिया है। मौके पर नक्सलियों ने इस संबंध में बैनर भी लगाया है। घटना गोमो स्टेशन मास्टर को मिलने के बाद सभी ट्रेनों को विभिन्न स्टेशनों पर खड़ा कर दिया गया। स्टेशन मास्टर को ओवरहेड तार टूटने की सूचना मिली थी। वहीं घटना के बाद रेल यात्री स्टेशनों पर कई घंटे फंसे रहे। यात्रियों का कहना है कि उन्हें कोई जानकारी नहीं मिल पा रही है। हमारे संवाददाता ने यात्रियों से बातें की। संजय कुमार, संजय जी कितना परेशान है? बहुत परेशान है। हम लोग रात भर आपका बोकारो से जो ट्रेन आई थी LTT मुंबई, हम पटना जाने वाले थे, रात भर हम लोग अभी बोकारो का ये एक जगह है, क्या है, टुक्का दी, उसके बाद हम धनबाद आए। यहाँ से भी कोई पटना जाने के लिए गाड़ी नहीं मिल रही है और बस भी यहाँ से नहीं है। कुछ खबर नहीं आ रहा है, कब तक क्लियर होगा ये सब कुछ खबर नहीं है। अच्छा, कुछ मालूम नहीं चल रहा है। राज्य सरकार बुधवार को भारतीय प्रशासनिक सेवा के 39 अधिकारियों का तबादला कर दिया है। कई जिलों के उपायुक्त बदले गए हैं। विनय कुमार चौबे की जगह मनोज कुमार को रांची का DC बनाया गया है। वहीं प्रशांत कुमार की जगह कृपानंद झा को धनबाद का DC बनाया गया है और प्रशांत कुमार को नगर निगम विभाग के CEO बनाया गया है। आज वासेपुर आरा मोड़ के मुख्य सड़क को स्थानीय लोगों ने पानी की समस्या को लेकर घंटों जाम कर दिया एवं जिला प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। हमारी मांगे पूरी करो, पानी की समस्या दूर करो, पानी की समस्या दूर करो। इसी के में भेदभाव नहीं चलेगी। रोड जाम कर रहे लोगों का कहना था कि जिला प्रशासन हम लोगों के साथ सौतेला व्यवहार कर रही है, अभी तक हम लोगों को पानी नसीब नहीं हुआ है। इस जाम में स्थानीय लोगों के साथ महिलाएं भी शामिल थी। वहीं घंटों बाद जाम जब नहीं हटी तो बैंक मोड़ पुलिस अपने दल बल के साथ आई और स्थानीय लोगों को समझा बुझा कर सड़क को खाली करवाया। वहीं इस संबंध में हमारे संवाददाता ने पार्षद प्रतिनिधि निसार आलम से बातें की। वार्ड में हर जगह पानी का मतलब के निदान हो जाता है, पानी मिलता है लोगों को, लेकिन यही क्षेत्र एक ऐसा है, वार्ड नंबर 18 मुस्लिम क्षेत्र है, यहाँ पानी का समस्या घोर है। यहाँ पानी के लोग हमारे माँ बहने जो है रात को निकलती है पानी लेने के लिए शर्म से, कि ताकि उसका घर में जो है पानी का काम हो सके। यहाँ पानी का समस्या इस कदर है कि आज लोग हम लोग परेशान हाल हो करके
हम लोग सरकार से मांग कर रहे हैं कि इस गर्मी में हम लोग को पानी किसी भी हाल में हम लोग को दे। और हम लोग के क्षेत्र वासेपुर के गुलजारबाग क्षेत्र में अभी तक पाइपलाइन का काम नहीं हुआ है, इसी के लेकर के लोग हम लोग बाध होकर के आज जाम किए हैं ताकि हमको जल्द से जल्द वहाँ का पाइपलाइन लाइन का काम चालू हो और हम लोग का वासेपुर का आवाम को इस गर्मी में पानी मिले। पानी जरूरी है और अगर हम लोग को इस गर्मी में पानी नहीं मिलेगा तो आज हम लोग वासेपुर जाम किए हैं, कल हम लोग धनबाद में आकर के धनबाद को जाम करेंगे। खबरों में फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद जब वापस लौटेंगे तो बाकी खबरों से आपको कराएंगे रूबरू। आप ब्रेक के बाद आज का सच में आपका एक बार फिर से स्वागत है। जिला प्रशासन और धनबाद नगर निगम द्वारा चलाए जा रहे अतिक्रमण हटाओ अभियान के खिलाफ गुरुवार को सैकड़ों फुटपाथ दुकानदारों ने धनबाद नगर निगम का घेराव कर जोरदार प्रदर्शन किया। फुटपाथ दुकानदार एवं आजीविका उपार्जन संघ के बैनर तले प्रदर्शन कर रहे दुकानदार उन्हें हटाने से पहले वैकल्पिक व्यवस्था करने की मांग कर रहे हैं। आपको मालूम हो कि जिला प्रशासन पिछले एक पखवाड़े से जिला भर में अतिक्रमण के खिलाफ अभियान चला रहा है। प्रशासन का ये अभियान पूरे निगम क्षेत्र में चल रहा है, इसका संघ विरोध कर रहा है। इसी को लेकर दुकानदारों ने वैकल्पिक व्यवस्था की मांग को लेकर ये प्रदर्शन किया। साथ ही नगर निगम को चेतावनी देते हुए कहा कि अगर हमारी मांगों पर जल्द विचार नहीं किया तो राज भर पर जोरदार आंदोलन किया जाएगा। वहीं हमारे संवाददाता ने फुटपाथ दुकानदारों से बातें की। सड़क उतरने का रीजन ये है कि हम लोगों के साथ में नगर निगम पेंडिंग डाउन कमेटी का गठन हो चुका है सुप्रीम कोर्ट के आदेश से, नगर निगम द्वारा लागू नहीं कर रहा है। इस वजह कर हम लोग जो है इसका विरोध कर रहे हैं, आज विरोध प्रदर्शन हम लोगों ने कर रहे हैं। फुटपाथ के दुकानदार पूरे धनबाद जिला से आए हुए हैं, हम लोग ने इसे प्रदर्शन कर रहे हैं। मांगे क्या क्या है? हमारी मांगे वेंडिंग जोन कमेटी को गठन किया जाए, लाइसेंस दिया जाए, बिना प्रवास किए हुए फुटपाथ दुकानदारों को नहीं उजाड़ा जाए। उससे जो बात हुई तो आपकी किशोर ये है कि जो वेंडिंग कमेटी है उसके के ही हटाया जा रहा है। इस संबंध में जो हमारे कमेटी है उसको हम लोग ये सारी बातें उनके समक्ष रख देंगे और फिर जो बैठक होगी 23-24 तारीख के बाद, 23 तारीख को टेंडर खोलेंगे, टेंडर खोलने के बाद जो बैठक होगी उसमें इस पर चर्चा होगी। विभिन्न विभागों से समन्वय की आवश्यकता है, इसलिए अभी इस पर तुरंत कुछ नहीं कहा जा सकता है। निर्देशन हम लोग को प्राप्त नहीं है, यहाँ पर कार्यालय में उपलब्ध नहीं है, हम लोग खोज लेते हैं। उसको बताया 24 तारीख के बाद हम लोग कमेटी की बैठक करेंगे, ये वेंडिंग कमेटी हमारी है तो उसमें हम लोग कुछ सारी बात को रखेंगे। क्या नया निर्देशन है मरंगी उच्च न्यायालय का या सर्वोच्च न्यायालय का, फिर हम लोग बता पाएंगे। बाघमारा के डुमरा स्थित राधा स्वामी पेट्रोल पंप से बाइक गिरोह के अपराधियों ने बुजुर्ग से 25,000 लूट कर भाग गए। घटना के बारे में बताया जा रहा है कि परसबनिया के रहने वाले श्याम सुंदर नोनिया, जो कि अपनी पत्नी और बेटे के साथ स्टेट बैंक से 2,19,000 रुपए निकालकर बैंक ऑफ इंडिया में जमा करने गए थे। 2,00,000 बैंक ऑफ इंडिया में जमा करने के बाद डुमरा स्थित राधे स्वामी पेट्रोल पंप में अपने बाइक में तेल डलवा रहे थे, तभी दो बाइकर सवार अपराधी बुजुर्ग से थैला सहित झपट कर भाग गए। पुलिस को सूचना दी गई, दो पुलिस थानों का सीमा विवाद भी आया। हालांकि पहले बाघमारा की पुलिस पहुंचकर पूरे मामले की छानबीन शुरू कर दिया। बैंक ऑफ इंडिया में जमा ये कहा जमा कर लिया? टोटल मेरा बचा तो वहाँ पर अपना पैसा लेके 1.5 लाख। बाद में बरोड़ा की पुलिस भी आकर सीसीटीवी फुटेज के सहारे अपराधियों तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। भुक्त भोगी और उसके बेटे ने बताया कि 25,000 की लूट हुई है। वहीं बागमारा और बागमारा थाना प्रभारी नेहना टोपो ने भी बताया। अभी तो देख रहे हैं आप लोग यू पर आए हैं, संतरवा देवी पति श्यामलाल नोनिया नी कॉलोनी मधुबन परसबनिया की रहने वाली थी। SBI डुबरा ब्रांच से वो 2,00,000 समथिंग रुपया निकाली थी। निकालने के बाद जाकर बागमारा स्थित बैंक ऑफ इंडिया में रखी, बचे रुपया लेकर के यहाँ पर आई पेट्रोल पंप पर। यहाँ पर तेल भरवाने के क्रम में ही वो अपाची मोटरसाइकिल में दो अपराधकर्मी आए, वो झोला छीन कर। कितने रुपये छीन थे? 25,000 रुपये छीनने की बात आ रही सामने। पुलिस अभी तरफ घेराबंदी कर रही है, CCTV की खंगालने की कोशिश की जा रही है। वहीं बरोड़ा थाना प्रभारी सुनील तिवारी ने भी घटना के संबंध में बताया।
वो पैसा निकाल कर हरियाणा बैंक में जमा किया। जमा करने के बाद उसके पास 20,000 रुपया बच गया था। वो आया पेट्रोल पंप पर, पेट्रोल लिया, उसी समय दो क्रिमिनल आए और उसका हाथ से झोला छीन कर लोग कतरास की ओर भाग गए हैं। कतरास की ओर भी दो मोबाइल गई हुई है, थर्ड थाने में चेकिंग लगवा दिया गया है, कांड का उद्भेदन हो जाएगा। सीसीटीवी कैमरा का हम लोग फुटेज देखे हैं, उसके आधार पर गिरफ्तारी। उसके बाद हम आके यहाँ पर पेट्रोल पंप पर हम पेट्रोल भरा रहे थे, हमको सोचने के एक सेकंड भी नहीं लगा और ग्रे कलर का पाची था जो लेके तुरंत हाथ से छीन के मेरा पिताजी का हाथ से छीन के भागते रह गए। कितना का संख्या में था? मैं मेरा उसमें था 25,000 रुपया था, आदमी दो का संख्या में। आप खुद थे गाड़ी में? हम गाड़ी में खुद आगे बैठे हुए थे, पिताजी बीच में थे, मम्मी किनारे थी। क्या चीज का पैसा था? मेरा पिताजी का पैसा था। तो निकाले किस लिए थे? कोई शादी विवाह के लिए या कुछ? जमीन लेने के लिए निकालने के लिए सोचे थे। नहीं है उतना, हम देखे भाई मोटे मोटे ऐसा था, अब झपट के बीचे था, तो हम बीचे था और ऐसा झपट मारा के हाथ हाथ लेकर झोला भाग निकला। इधर गाड़ी का नंबर देखे थे आप? कुछ नहीं ना, अब दो लड़का तो आउट था, तब जब हल्ला किए तो ढेर मनी जमा हुआ। क्या नाम हुआ आपका? श्याम लाल। बागमारा के डुमरा में उस वक्त हंगामा होने लगा जब डुमरा के रहने वाले मन्नू महतो हटिया जा रहा था। रास्ते में गुजरते समय उसने देखा उसके जमीन पर बुनियाद डाला हुआ है। मन्नू महतो को संदेह हुआ तो वो उल्टे पांव घर गया। इसके बाद वो पता लगाने लगा कि आखिर कौन उसके जमीन पर बुनियाद डाल रहा है। पता लगाने पर पता चला कि जमीन मालिक को मालूम हुआ कि निश्चितपुर के रहने वाले कमल महतो जो अमीन का काम करता है वो जमीन को फर्जी तरीके से किसी को बेच दिया है। जमीन मालिक ने अमीन को पकड़कर अपने घर लाया और लोगों ने बंधक बना लिया। कमल महतो दिखाओ। हाँ ठीक है भैया, हो जमीन मालिक ने बताया कि फर्जी तरीके से इसने मेरे पुश्तैनी जमीन को किसी को बेच दिया है। जमीन मेरा है सर, आज बाप दादा परदादा से वो जमीन हम लोग कर रहे हैं, खा रहे हैं और खेती भी कर रहे थे। हमारा दादी नानी थी वो तो गुजर गया और बाबूजी फादर हो गया। हाँ देखिए यही मेरा माँ है, यही मेरा माँ है, इसी के नाम में जमीन है, यही है माइकल, यही मेरा। हम लोग 200 साल से वो जमीन हम लोग कर खा रहे थे सर। कहाँ पे जमीन है? आज क्या हुआ? आज नहीं, दो दिन चार दिन पहले गोली कोड़ल था सर, तो यही लोग बेच दिया गया है जमीन, तो हम लोग जाके जमीन को बराबर कर दिए, तो नाम ही नहीं पा रहे थे, नाम पाए जो बेचने वाला ही है, तब जाके इसको पकड़ के लाए हम। तो जिनको भी बेचा गया है क्या रजिस्ट्री वगैरह कुछ किया गया है? यही जानता है सर। वही अमीन का कहना है कि मैं निर्दोष हूँ। मना जैसे देखिए, जैसे जमीन है वो हम नापी की है, ठीक है, नापी की है जमीन, तो नापी की है, तो मतलब इन लोग बोल रहा है कि तुम जमीन बेच दिया जबरदस्ती बोल रहे, तो हम नहीं बेची जमीन, जबरदस्ती बोल रहा है, बदले लग रहा है, बात नहीं बदल, हम नापी किए ना भाई, तो हम कह रहे नापी किए हम। जमीन में कहाँ पे जमीन था, किसका जमीन था? देखिए सर कुछ नहीं बोल पा रहे। नंदा सर की बोलो, नंदा सर बोल, कहाँ पे जमीन है? बाहर नापी कर रहा था, बोलो नापी किए किसी को? यही है नापी किए, किसी को बेचने के लिए? हम नापी किए थे समझे ना, इसलिए जमीन तो दिखा दिया, दवा में फ्री है। थाना स्थित एमपीएल के गार्ड ने हाइवा मालिक के साथ मारपीट की, जिसके बाद आक्रोशित हाइवा चालक और खलासी ने एमपीएल का परिचालन पूरी तरह ठप कर दिया। एमपीएल गेट से पूरे जामतारा रोड पर हाइवा की लंबी कतार लगनी शुरू हो गई। जानकारी के अनुसार बताया जा रहा है कि हाइवा के ड्राइवर के साथ एमपीएल के सुरक्षा गार्ड जो कि मेन गेट का गार्ड है उसके द्वारा मारपीट की गई और प्रबंधक
जोर जबरदस्ती से हाईवा को चलाने और गार्ड के द्वारा हाईवा चालकों के साथ मारपीट करते रहेंगे, ऐसा कहकर हाईवा चलने को कह रहा है, जिसके बाद से हाईवा मालिक और चालक उग्र होकर हाईवा का परिचालन ठप कर दिया। घटना के कई घंटे बीत जाने के बाद भी पुलिस नहीं पहुंची और घंटों एमपीएल का परिचालन ठप रखा गया। क्यों रखता है? एमपीएल में उसको अगर पेपर की जरूरत है तो वोट क्यों नहीं मैं सर चूप लगाता है? गोली मार कर जो कर सुना है मेरे पास उतना कर हमको मत दिखाइए। तो क्यों ऐसे आप बोल रहे हैं? आप ऐसे क्यों? आपसे 15 गुना बेसी लगता है। आप मालिक है इसीलिए। आप इसका मतलब आप रंगबाजी बने? नहीं रंगबाजी नहीं, आप जो घर में हमसे बात किया ना, आपसे 15 गुना बेसी लगता है। अगर चालकों की माने तो ये रवैया उनके साथ हमेशा होता रहता है और कई बार ऐसी घटना घटित हो चुकी है। मीडिया से बात करते हुए हाईवा मालिक ने बताया कि जब तक गार्ड हमारे चालक से माफी नहीं मांगेंगे और दोबारा ऐसी गलती नहीं होगी, प्रबंधन जिम्मेवारी लेगी, उसके बाद ही हाईवा का जाम हटेगा। वहीं मालिक का कहना है कि प्रबंधन हमें धमकी दे रहा है कि ऐसे ही मारपीट की जाएगी। मांग है जो सिक्योरिटी गार्ड मारपीट बराबर करते आ रहा है उसको बुलाया जाए, उससे सारे ड्राइवर क्लासी के बीच में माफी मंगाया जाए और आइंदे ऐसा ना हो इसके लिए प्रबंधन जिम्मेदारी ले। ऐसा ही बंद रहेगा, ऐसा ही बंद रहेगा। प्रबंधन हमको धमकी दिया है कि गाड़ी हम क्रेन से ठेल के फेंकवा देंगे और ऐसा ही हमारा गार्ड ड्राइवर को मारते रहेगा। हम लोग बेरमो का ओनर, हम लोग यहाँ का नहीं। खबरों में फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद जब वापस लौटेंगे तो बाकी खबरों से आपको कराएंगे रूबरू, आप बने रहिए हमारे। ब्रेक के बाद आज का सच में आपका एक बार फिर से स्वागत है। झरिया टाटा डिवीजन की ओर से टाटा कंपनी के दोराबजी पार्क में 15वां एनुअल फ्लावर शो का आयोजन किया गया, जिसमें कई प्रजाति की रंग बिरंगे फूलों को देखने को मिला। संस्थानों द्वारा फूलों को लेकर एक प्रतियोगिता का आयोजन भी किया गया, जिसमें टाटा सिजुआ, सिम्फर, आईसम सभी संस्थानों द्वारा फूलों का प्रदर्शनी लगाया गया। और उनको पुरस्कार भी दिया गया। हमारे संवाददाता ने टाटा झरिया डिवीजन के जीएम संजय सिंह से बातें की। टाटा स्टील जहां भी है वो चाहती है कि हर क्षेत्र में अच्छा हो और इसी के तहत हर साल यहां पे हम लोग इसका कार्यक्रम करते हैं फ्लावर शो का। मुझे थोड़ा खेद है इस साल थोड़ा देर हो गया हम लोगों को, लेकिन हर साल हम लोग इसको करते हैं और पूरे धनबाद से पार्टिसिपेशन मिलता है हम लोगों को। और यही एक समय है जब समझ में आता है हम लोग कि धनबाद में भी कितने फूल के प्रेमी लोग हैं, तरह तरह का फूल आता है और उसको देख के हमारे माली भी काफी कुछ सीखते हैं ताकि हम अपने भी बागान। आज जो ये फ्लावर शो था यहाँ पे आप देखेंगे इसमें बहुत सारा दुर्लभ फूल भी है जो कि आपको काफी रंग बिरंगा है जो आपको देखने को नहीं मिलेगा। और सही पूछिए तो रोजमर्रा के जो का जो जिंदगी है उससे लोग जब थका जाता है ये फूल एक नया ताजगी देता है लोगों को और नया जोश देता है लोगों को काम करने के लिए ताकि लोग तरोताजा होकर काम कर सके। यदि आप अपने बागान को अच्छा रखिएगा तो आपको भी मजा। आज धनबाद थाना अंतर्गत हाउसिंग कॉलोनी में बिजली विभाग के अभियंता निरीक्षण किया। इस निरीक्षण में जो लोग अवैध रूप से बिजली जला रहे हैं उनकी जांच की जा रही थी। वहीं बिजली अभियंता ने बताया कि ये जांच पूरे झारखंड में किया जा रहा है। इस जांच में जो कोई व्यक्ति अवैध रूप से बिजली जलाते पाया गया तो उस पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। वहीं इस संबंध में हमारे संवाददाता ने बिजली अभियंता से बातें की। पूरे झारखंड राज्य में हो रहा है राज्य व्यापी जो है ये बिजली चोरी के विरुद्ध अभियान है। धनबाद में आप लोग किस किस क्षेत्र में ये अभियान? धनबाद पूरा धनबाद जिला, बोकारो जिला, इस क्षेत्र विद्युत बोर्ड में दोनों जिला में चल रहा है। ऐसे कितने डिफॉल्टर आपके लोग पाए गए हैं? अभी तो अभी जारी है, अंत में पता चलेगा। आंकड़ों में कितने आप लोग? आंकड़ों में अभी हम लोग भी अभी स्टार्ट कर चुके हैं। क्या कानूनी कार्रवाई हो रही? कानूनी विद्युत अधिनियम के अंतर्गत जो प्रावधान है उसके अंतर्गत
कानूनी कार्रवाई होगी। और उस पर फाइन भी क्या कुछ? हाँ, फाइन करने का प्रोविजन है, जिस तरह की चोरी पकड़ी जाएगी उसके अनुसार। ज्यादातर ये चोरी क्या प्राइवेट या सरकारी घरों में देखी? प्राइवेट मकान में हम लोग अभी अभियान चला रहे हैं तत्काल, जितने भी है इंडस्ट्री हो, चाहे वह डोमेस्टिक हो, कमर्शियल प्रमिसेस हो, सारे में। ये अभियान कितने दिनों तक चलेगा? ये तो आज एक दिन का आज राज्य स्तरीय अभियान है, इसके बाद समय समय पर चलेगा। आज धनबाद थाना अंतर्गत हीरापुर पार्क मार्केट में जिला प्रशासन द्वारा अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया गया। ये अतिक्रमण अभियान धनबाद के सीओ के नेतृत्व में चलाया गया। इसमें करीब दर्जनों दुकान को जेसीबी से हटाया गया। वहीं इस संबंध में हमारे संवाददाता ने मजिस्ट्रेट विनय कुमार से बातें की। आम रास्ता था पहले, उसी को ही लोग अतिक्रमण करके आम रास्ता को अवरुद्ध कर दिया है, उसी को हटाया जा रहा है, इंक्रोचमेंट में है। और भी जगह देखा जा रहा है? और भी जगह देखा जा रहा है, शहर में अभी आन ही चल रहा है। अतिक्रमण चल रहा है, जहाँ जहाँ है धीरे धीरे हट रहा है। और सब जो नहीं हटा रहे, क्या उस पर कानूनी कार्रवाई? वो तो कानून, जब अतिक्रमण में रहेगा तो कानूनी कार्रवाई तो होगी। रोड आमी रास्ता हो जाएगा, करेगा ना करेगा, देखेंगे। अभी किस किस क्षेत्र में और सब देख लो, ये तो लिस्ट निकलेगा, तो अंचल अधिकारी से बात करना होगा। आज हीरापुर से जान लेते हैं कि कौन सी खबर रही आज सुर्खियों पर। नक्सली बंद के दौरान गोमो गया के बीच देर रात नक्सलियों ने अप एंड डाउन रेल लाइन को उड़ाया, रेल परिचालन घंटों बाधित। धनबाद उपायुक्त प्रशांत कुमार बने नगर निगम के सीईओ, कृपानंद झा बने धनबाद के नए उपायुक्त। पानी की समस्या को लेकर वासेपुर के स्थानीय लोगों ने आरा मोड़ मुख मार्ग को किया घंटों जाम, कहा जिला प्रशासन हम लोगों के साथ कर रही है सौतेला व्यवहार। और फुटपाथ दुकानदारों ने अपनी मांगों को लेकर नगर निगम का घेराव कर किया प्रदर्शन। आप भी अपने आसपास की किसी खबर से हमें रूबरू कराना चाहते हैं तो आप हमें इस पते पर लिख सकते हैं। हमारा पता है कृष्णा मार्केट, तिवारी गली, बैंक मोड़, धनबाद। या आप हमें इस नंबर पर फोन भी कर सकते हैं। हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है 9335242009835420599391486744। या आप हमें इस नंबर पर भी कॉल कर सकते हैं 9386302989। नई और ताजा खबरों के साथ आपसे कल फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए आज का सच की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।